नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सुरेश कुमार सेवलिया के चैनल में। अभी हम आज बात करेंगे भाई दोस्तों रिले, जो मैंने आपको पहले थ्योरी में समझाया था, बट लेकिन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक रिले। देखिए दोस्तों, ये एक रिले है। देखिए दोस्तों, ये रिले है। ये रिले का बेस हो गया, इसमें हम रिले को ऐसे सेट करेंगे, इसे अपने एक रिले लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, रिले को हम ऐसे सेट करते हैं, ये अपनी रिले हो गई। अब रिले देखिए दोस्तों, आपको सही तरह से दिख नहीं रहा होगा। देखो दोस्तों, इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, आराम से देखिएगा पॉइंटों को। ये इसमें देखा 13 13 है, ये 14 है, ये 12 है, ये 9 है, 5 है, 8 है, 1 है। ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, मतलब कि इसका जो है ना टर्मिनल दे रखे दोस्तों। देखो इसके 8 पिन है दोस्तों, ये देखो इसके 8 पिन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ये दो टर्मिनल है ना दोस्तों, ये 13 और 14। ये अपन इसके कोयल का टर्मिनल है दोस्तों, इसे अपना सप्लाई देंगे। ये 240 वोल्टेज एसी सप्लाई देंगे दोस्तों, समझ रहे दोस्तों। अब इसका अंदर का प्रोसेसिंग क्या होता है, क्योंकि ये कोयल है दोस्तों, ये जो कोयल है इसमें क्या करेंगे हम, सप्लाई देंगे ना, जैसे जैसे ये कोयल है दोस्तों, ये अपनी इसमें कोयल है ये अंदर, और ये कोयल है तो इसके अंदर ही भी एक कोयल बना रखी है मान लो। इसमें अपन सप्लाई दोगे अपने 240 या 220 वोल्टेज जो भी सप्लाई दिया, तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक बनेगा। मैग्नेट बनेगा तो क्या होगा, ये पत्ती रहती है यहाँ पे लोहे की, तो वो क्या है कि जो ये अपना ये टर्मिनल है ना, ये इसके सी यहाँ पे स्प्रिंग होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही ये मैग्नेट बनाएगा तो ये क्या है कि चिपक जाएगा इधर। ठीक है दोस्तों, जैसे बनाएगा इसे चिपक जाएगा, ये अपने इसमें पहले सप्लाई आती रहती, मानी पॉइंट हो गया दूसरा, तो इसमें सप्लाई ऐसे इसमें चिपके गएगा, आगे इसमें सप्लाई पहुंच जाएगी। इसमें ये एनो हो जाएगा, ये एनसी था, समझ रहे दोस्तों। ये इसका सिस्टम होता है, और मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। एक मिनट को खोलो,
देखो दोस्तों, ये मैंने अलग कर दिया इसको कि अपने इसकी डायग्राम है दोस्तों। तो इसमें मैंने बताया कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसमें अपन सप्लाई देंगे जो कॉइल पे जाएगी, जैसे अपन कॉइल पे सप्लाई देंगे दोस्तों, ठीक है। ये अपना एनसी पॉइंट हो गया इधर वाला, ये एनसी पॉइंट है जो ऑलरेडी इस पे कनेक्टेड है। ये पत्ती है ना, ये पत्ती दोस्तों, ये पत्ती है ना, ये कनेक्टेड है। ये क्या करती है पत्ती, जैसे इसमें मैग्नेट आएगा तो ये पत्ती है ऐसे चिपक जाएगी, ठीक है दोस्तों। बस ये मैग्नेट स्विच का काम करता है दोस्तों, जिससे ही सप्लाई ऑन होगी। ये ऐसे नीचे वाली जो पत्ती है ना, दिख रही होगी आपको, ये नीचे वाली पत्ती है ना, इस पे चिपक जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पत्ती से फर्क करती है कि नीचे यहाँ पत्ती होती है, ये यहाँ पे पत्ती है, यहाँ पे चिपक जाएगी, और ये है ना, ये ऐसे रख करेगी। ठीक है दोस्तों, ये इसमें अपन सप्लाई देंगे, इसमें ये कोयल में सप्लाई आएगी, सॉरी इसका ये कॉमन पॉइंट हो गया। इसमें यहाँ सब कॉमन हम सप्लाई कहीं भी देंगे आपको, कहीं भी दोगे तो क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट है, आगे सप्लाई पहुंच जाएगी। ये फिर ये यहाँ पे जैसे इसमें इसमें करंट था पहले, इसमें ऑपरेट होते इधर, तो इधर वाली पत्ती में, ये एनो में है ना, सप्लाई आ जाएगी दोस्तों। ये अपना एनसी पॉइंट है, ये विदाउट ऑपरेट हुए इसमें एनसी रहती है। ये दोस्तों एनसी और एनो होता है, एनसीएन होता है नॉर्मल क्लोज, और होता है एनओ का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। इसका अपन यूज कर सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया रिले के बारे में। रिले सिंपल सा सिंपल सी परिभाषा है रिले की, ये अपन स्विच के रूप में काम करेंगे दोस्तों। अभी मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ दोस्तों, इसमें अपन सप्लाई देंगे दोस्तों, ठीक है। सप्लाई देंगे तो क्या ऑपरेट होगी, जब ऑपरेट होती है तो क्या होता है, ये पत्ती है ना दोस्तों, ये पत्ती है ना दोस्तों, ये पत्ती यहाँ चिपक जाएगी। इसे चिपकती है तो ये दोस्तों इसमें सप्लाई आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। पहले सप्लाई इसमें रहेगी, अदरवाइज ये एंच पॉइंट रहेगा, ऑपरेट होती इसमें सप्लाई आएगी, सप्लाई आती इसमें भी ऑपरेट हो जाएगी। और ये कॉमन पॉइंट होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी मैं बताता हूँ इसका नंबरिंग सिस्टम होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक बार। शायद आप क्लियर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, इनके नंबर होते हैं, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। ये देखो आप, दिख रहा होगा 13 14 नंबर ये कोयल के हो गए थे दोस्तों, 9 और 12 एक कॉमन हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 9 और 12 एक कॉमन हो गया, 5 और 8 है ना दोस्तों, 9 12 इसका कॉमन हो गया फिर, हाँ, और 5 और 8 हो गया इसका कॉमन, सॉरी एनो पॉइंट हो गया, और 1 और 4 हो गया इसका एनसी पॉइंट हो गया। तो जैसे हम 13 14 में अपन सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगी ये सप्लाई, और 5 पे आए 8 पे आम से भी आएगी ये सप्लाई, यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगी, फुल हो जाएगी सप्लाई यहाँ पे।
एनओ का एनसी हो जाएगा, ओ एनसी का एनओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना ये पॉइंट जा रहा है इधर से, ये देखिए दोस्तों सप्लाई दिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है अपना कॉमन है, तो अभी क्या है एनसी पे कनेक्ट है ये, है ना ये। तो क्या होगा जैसे ही सप्लाई देंगे इसको ऑपरेट होगा, मैग्नेट बनेगा, तो ये क्या है ये आके इधर चिपक जाएगी, ये है ना, ये इसमें आ जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, ये पत्ती यहाँ से हटके ये इस पर कनेक्ट हो जाएगी, ये सिस्टम है दोस्तों इसका। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे रिले के बारे में। रिले के आप मैंने रिले के बारे में आपको बता ही दिया क्या है रिले, सिर्फ रिले है भाई दोस्तों, आप एक बार देखो जो मैंने बताया था। अभी स्प्रिंग होती है, ये जो स्प्रिंग होती है दोस्तों ये क्या है कि मूवेबल होती है, ये वो वहीं फिक्स रहती है, चिपकेगी तो क्या है कि वो चिपक जाएगी, उसके बाद में वापस वो अपनी जगह चली जाएगी। ये सिस्टम है दोस्तों, और LED लगा रखी है इसमें, ये 8 पिन रिले है दोस्तों। क्या है ये, आई होप कि भाई आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी क्या, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं डिसलाइक करो, मुझे अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये है कि भाई आप सब्सक्राइब करोगे तो जो मेरी मेहनत है तो मुझे और उत्साहित करेगी, मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता रहूँगा। इसी आशा से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और मेरा भी मन चाहेगा और नई वीडियो बनाने का, और अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का। इसलिए दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, वाचिंग फॉर थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को, थैंक्स दोस्तों।